नमस्कार साथियों, 1 जून 2024 वार की यदि बात की जाए शनिवार, आज सरसों के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी देखा जाए तो जयपुर कंडीशन तेज थी सुबह, अब थोड़ी सी मंदी है। 6150 की बाजार है, यानी कल के लगभग लगभग बाजार है, जो कल सुबह था उसके आसपास ही बाजार है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए भाव की, तो जयपुर कंडीशन तेज खुली थी 6225, आवक 6 लाख बैग की रहती हुई नजर आई। कच्ची गांजी 119 रुपये खुलकर इस समय 117 रुपये के आसपास, खड़ 2850 पड़े हुए। खड़ के बाजार लगातार 10 दिन से 2850 के ऊपर, कोई परिवर्तन सरसों खड़ की कीमतों में नहीं है। भाव की यदि चर्चा की जाए, जयपुर 6225 रुपये इस समय 6150, खैरतला 5776 रुपये खुली। अब यदि बात की जाए तो 5750 रुपये के बाजार है। बहरोड की बात की जाए 5900 रुपये, बड़ौदा में 5900 रुपये, खेरली 5776, अलवर की बात की जाए 5850 रुपये, खैरतल की बात की जाए तो 5800 रुपये के आसपास के बाजार हैं। गंगापुर सिटी 5800 रुपये के बाजार मणते हुए नजर आए। टोंक की यदि बात की जाए तो 5860 रुपये रहे। निवई 5880 रुपये के ऊपर कामकाज करती हुई देखने को मिली। मालपुरा की बात की जाए तो 6000 रुपये 42 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए। हिंडोन सिटी 5777 रुपये, देई बूंदी 5950-5975 रुपये के बाजार रहे हैं। दूसरी ओर यदि बात की जाए कोटा और बारा की, तो 5700 रुपये 42 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए। यदि आगे की ओर बढ़ें सुमेरपुर की, तो 6100 के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं बात की जाए जोधपुर और मेड़ता की, तो वहां पर जो 40 कंडीशन है वो लगभग 5700 रुपये के आसपास बिकती हुई नजर आई। दूसरी ओर यदि बीकानेर की बात करें तो बीकानेर 5450-5550 रुपये के बाजार रहे। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों की बात की जाए तो लैब प्लस 1580 से लेकर 1640 तक माल बिकता हुआ नजर आया। वहीं नोहर मंडी, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले की 5950 रुपये प्रति क्विंटल के बाजार रहे। दूसरी ओर यदि हम बात करें शेखावटी रीजन की, तो शेखावटी रीजन में 5450-5550 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए ऊपर में। अब यदि हम चलते हैं हरियाणा के बाजारों की ओर, तो हरियाणा के बाजारों में सुबह थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ खुलते हुए नजर आए थे। दादरी वगैरह की बात की जाए तो दादरी 6000 रुपये, भिवानी 5925 रुपये, शिवानी की बात की जाए 5925 रुपये, 40 कंडीशन मील डिलीवरी के बाजार हैं। दूसरी ओर यदि हरियाणा में सिरसा मंडी की बात की जाए तो 5675 रुपये के बाजार आज रहते हुए नजर आए हैं। वहीं यदि आदमपुर मंडी के भाव की बात की जाए तो आदमपुर मंडी आज सरसों 5709 रुपये प्रति क्विंटल बिकती हुई नजर आई है। दूसरी ओर यदि देखा जाए एलनाबाद भी 5650-5700 के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। रेवाड़ी मंडी की बात की जाए तो रेवाड़ी मंडी 5900 रुपये के बाजार 40 कंडीशन के रहते हुए नजर आए हैं। यदि अब बात की जाए उत्तर प्रदेश के बाजारों का, तो उत्तर प्रदेश के बाजारों में अलीगढ़ मंडी 5500 रुपये के आसपास रहती हुई नजर आई है। मथुरा मंडी के भाव की बात की जाए तो मथुरा मंडी आज 5570-5580 रुपये के बाजार आज रहते हुए नजर आए हैं। दूसरी ओर यदि बात की जाए इटावा, मैनपुरी, हाथरस वगैरह इन जिलों की, तो वहाँ पर 5450 रुपये ऊपर में माल बिकता हुआ नजर आया है, कानपुर वगैरह। दूसरी ओर यदि देखा जाए बांदा की, तो बांदा 5550 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। झांसी की बात की जाए तो 5400 रुपये कंडीशन के बाजार मंडी बिकती हुई नजर आई है। यदि मध्य प्रदेश के बाजारों का रुख करें, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर 5550, अशोकनगर 5525, श्योपुर 5800। वहीं यदि बात की जाए भिंड और मुरैना, तो दोनों भिंड 41 लैब कंडीशन की बात की जाए तो 5925 रुपये, मुरैना की बात की जाए तो 41 लैब 5750 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। तो कमोबेश सरसों में स्टेबिलिटी ही मान सकते हो सुबह वाले बाजार, कुछ बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आया। प्लांटों में गिरावट रही। प्लांटों में यदि बात की जाए गोयलकोटा 5950 रुपये, सलोनी अलवर 6425, सलोनी कोटा 6450, सलोनी शमशाबाद, दिगनेर और मुरैना तीनों 6525 एक ही लाइन में बाजार बढ़ते हुए नजर आए हैं। दूसरी ओर यदि बात की जाए अडानी के सुबह 6100 रुपये खुला था बूंदी, 6075 अलवर वाले प्लांट के भाव थे, तो ये सुबह के भाव बाजार थे। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।